नमस्कार, मैं हूं शिवानी और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए कुछ नया घरेलू तरीका लेकर आई हूं। दोस्तों, आज मैं आपको घर पर नेचुरल तरीकों से फेस स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। हमारी स्किन रोजाना धूल मिट्टी और प्रदूषण झेलती है। इसकी वजह से हमारी त्वचा के पोर्स यानी रोम छिद्र गंदगी से बंद हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी स्किन डेड सेल्स की मुश्किलों का सामना करती है और स्किन अपनी नेचुरल चमक खोने लगती है। फेस पर कील मुहासे, दाग धब्बे, हल्के काले धब्बे तब होते हैं जब ये डेड सेल्स त्वचा को सांस नहीं लेने देते। इन्हीं डेड सेल्स को, या कहे तो डेड स्किन को हटाने का काम करता है स्क्रब। तो फ्रेंड्स, आप जब भी स्क्रब करें तो घर पर बने स्क्रब का ही उपयोग करें। इससे आपके बहुत पैसे भी बचेंगे और आप केमिकल से भरे स्क्रब से अपने फेस को बचा भी सकेंगे। तो आज हम आपको फलों से बने स्क्रब बनाना सिखाएंगे। चेहरे के लिए फलों से अच्छा दोस्त क्या हो सकता है? फल खाने के तो बहुत से फायदे आपको पता ही हैं, पर इसे स्किन पर लगाने के भी बहुत फायदे हैं। तो जानते हैं उन फायदों को। पपीते से बना स्क्रब। पपीता एक ऐसा फल है जो हमारे देश में हमेशा मिलता है। पपीते का पल्प और उसका छिलका दोनों ही हमारे फेस के लिए अच्छे होते हैं। आप आधा कप पपीते के पल्प में 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून ओट्स मिलाएं। इसे फेस पर लगाएं और सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें। इसे 2-3 मिनट तक लगातार स्क्रबिंग करें। बाद में चेहरा धो लें। इससे आपके फेस के डेड सेल्स निकल जाएंगे और नई चमक भी आएगी। केले से बना स्क्रब। केला भी ऐसा फल है जो आसानी से सारे मौसम में मिलता है। केले के स्क्रब से स्किन की ड्राइनेस दूर होती है और फेस को मॉइस्चर मिलता है। इसे बनाने के लिए आधे केले को मैश कर लें। अब इसमें 1 चम्मच दूध और 2 चम्मच ओट्स मिलाएं और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इन सबको अच्छे से मिला लें और मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इसे अपने फेस पर लगाकर 5 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद चेहरा धो लें। यह स्क्रब सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसे लगाने से डेड सेल्स भी रिमूव होंगे और स्किन पर शाइन भी आएगी। संतरे से बना स्क्रब। संतरे से बना स्क्रब स्किन की रंगत को निखारता है। संतरे में विटामिन 6 होता है जिससे सिट्रिक एसिड बनता है। संतरे में अपनी एक खुशबू भी होती है जो स्किन को ताजगी से भर देती है। 2 टेबलस्पून संतरे के जूस में 2 टेबलस्पून ओट्स मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस स्क्रब को अपने फेस पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। 2-3 मिनट तक ऐसे ही लगातार स्क्रबिंग करें। इसके बाद आप अपना फेस धो लें और मॉइस्चराइजर लगा लें। यह एक परफेक्ट स्क्रब है आपकी स्किन के लिए। तरबूज से बना स्क्रब। गर्मी का फल तरबूज मिनरल से भरा हुआ होता है। गर्मी की तपती धूप में तरबूज हमें राहत देता है। गर्मी में धूप से चेहरा झुलस जाता है। ऐसे में तरबूज से बना स्क्रब करने से ताजगी व नई रंगत मिलती है। इसे बनाने के लिए 4-5 बड़े चम्मच तरबूज का जूस लें। उसमें 2 चम्मच बेसन मिलाएं। अब इसे अपने फेस पर स्क्रबिंग करें। 3-4 मिनट लगातार स्क्रबिंग करने के बाद आप फेस को पानी से धो लें। इससे फेस की रंगत वापस आ जाएगी और फेस बेजान भी नहीं लगेगा। नींबू से बना स्क्रब। नींबू एक ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में हर समय रहती है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे लगाने से फेस का कलर लाइट भी होता है। इसके लिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस लें। उसमें 1 टेबलस्पून शहद और 1/2 टेबलस्पून शक्कर मिलाएं। इस स्क्रब को अपने चेहरे पर लगाएं और मसाज करें। मसाज करने से शक्कर धीरे धीरे पिघलने लगेगी। 5-6 मिनट तक लगातार मसाज करने के बाद अपने चेहरे को धो लें। इस स्क्रब के यूज से आपके फेस के काले धब्बे भी दूर होंगे और फेस गोरा भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अचानक आपको किसी पार्टी में जाना है और आपका फेस डल, बेजान, थका हुआ हो तो बस फटाफट घर पर ही इनमें से कोई एक फेस स्क्रब बनाएं और स्क्रबिंग करें। आपका फेस तुरंत तरोताजा और सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।